फाइनली कल फैंस का इंतजार खत्म हो जाएगा क्योंकि आलिया और रणबीर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र कल आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। तो दर्शकों 150 करोड़ के वीएफएक्स का कमाल देखने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। लेकिन अब इसी बीच फिल्म को बायकॉट करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन बावजूद इसके पहले दिन के लिए 1.25 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस बुक हो चुके हैं और वीकेंड के लिए लगभग 2.5 लाख टिकट बुक हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी फिल्म अगर अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती है तो बॉलीवुड पर आया बायकॉट का संकट और गहराता जाएगा। तो चलिए अब जरा फिल्म की बजट पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ब्रह्मास्त्र का बजट पूरे 410 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें स्टार कास्ट के फीस, मार्केटिंग कास्ट, प्रमोशन कास्ट, मेकिंग और वीएफएक्स कास्ट भी शामिल है। ये बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म है और साउथ फिल्म आरआरआर और 2.0 के बाद भारत में बनी तीसरी सबसे महंगी फिल्म है। बॉलीवुड की बात करें तो सबसे महंगी फिल्म का रिकॉर्ड अब तक आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के पास था, जिससे अब ब्रह्मास्त्र ने तोड़ दिया है। तो अब ब्रह्मास्त्र के फैंस को बेसब्री के साथ कल यानी कि 9 सितंबर का इंतजार है, जहां वो अयान मुखर्जी की फिल्म का लुफ्त उठाने वाले हैं। और साथ ही जिन्होंने पहले से एडवांस बुकिंग की है उनके लिए भी ये बेहद मायने रखता है कि फिल्म अगर दर्शकों की पसंद पर खरा नहीं उतर पाई तो पैसे वसूल होने की जगह पैसे डूब सकते हैं। अब जरा इसके बायकॉट होने की वजह भी जान ही लेते हैं। दरअसल रणबीर कपूर ने 11 साल पहले खुद को बिग बीफ बॉय बताया था, यानी कि बीफ खाने वाला। वहीं पहले ही नेपो किड होने पर सुर्खियों में रहने वाली आलिया ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अहंकारी अंदाज में ये कहा कि अगर लोग उन्हें पसंद नहीं करते तो ना देखें। दोनों लीड स्टार का बयान ब्रह्मास्त्र के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। 6 सितंबर को आलिया, रणबीर और डायरेक्टर अयान मुखर्जी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली। कारण था रणबीर का 11 साल पहले दिया गया बयान। तो देखा आपने किस तरह आलिया और रणबीर के दिए गए बयान की वजह से उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र मुश्किलों में पड़ गई है और फिल्म को बायकॉट करने की खबरें भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि क्या बॉलीवुड ब्रह्मास्त्र को लाकर इंडस्ट्री को आईसीयू से निकाल पाएगा, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री की हालत वैसे भी वेंटिलेटर पर है। तो अब बॉलीवुड को भी कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र का सहारा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्ते हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब रहे हैं। बड़ी बड़ी फिल्में, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो, रक्षाबंधन हो, सम्राट पृथ्वीराज हो, जर्सी या फिर शमशेरा हो, ये बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रही है और उसके बाद जो विक्रम वेदा रिलीज हो रही है वो फिल्म इंडस्ट्री को पटरी पर लेकर आएगी। लेकिन देखिए, ये बात तो है, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में आरआरआर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और अब जब फिल्म कल रिलीज हो जाएगी तो आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाले हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। तो आप भी थोड़ा वक्त निकाल कर अपने फैमिली और चाहने वालों के साथ कल ब्रह्मास्त्र को देखने जरूर जाइए। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ भारत।